कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा की निर्ममता से हत्या करने के मामले में कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने आरोपी गौरव जैन पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी शेखावत ने बताया कि बालिका की हत्याकांड के मुख्य आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन पर 5,000 का इनाम घोषित किया जा रहा है। जो भी गौरव जैन का पता बताएगा उसे पुलिस 5,000 का इनाम देगी। घटना को 2 दिन हो गए हैं लेकिन आरोपी गौरव जैन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि कोटा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में पूरी जान झोंक रखी है। 3 एडिशनल 4 डीएसपी 17 सीआई डीएसबी इंटेलिजेंस साइबर टीम सहित पूरी फोर्स हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव जैन की तलाश में जुटी हुई है। होटल धर्मशाला मंदिर सहित तमाम भीड़ वाले स्थानों को पुलिस की टीमें लगातार खंगालने में जुटी हुई हैं। गौरव के तमाम रिश्तेदारों को भी पुलिस ने सूचित किया है कि अगर उन्हें गौरव के बारे में या उसके मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी है तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसे में कोटा जयपुर सहित दिल्ली तक कोटा पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। इतना ही नहीं एसपी केसर सिंह शेखावत ने कोटा के आसपास की सभी नहरों तालाबों नदियों में भी निगम के गोताखोरों को उतारा हुआ है कि गौरव कहीं किसी हादसे का शिकार न हो गया हो। नाबालिग लड़की के मर्डर केस में वांछित अपराधी गौरव जैन की तलाश के लिए जो भी प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं हम हर एंगल से उसकी तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस के पास कोई उसके मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं थी। पूरे शहर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगालने के बाद एक इनपुट मिला और उसका केशवराय पाटन रोड की तरफ जाना ज्ञात हुआ। हर एंगल पे हम लोग तलाश में जुटे हुए हैं। हमें भरोसा है कि अगर वो किसी के भी टच में आएगा तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी। उसके परिजनों के साथ भी हमने टीम लगा करके उनकी रिश्तेदारियों में मैसेज कराया हुआ है कि अगर वो किसी भी रूप में संपर्क में आता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। मुझे विश्वास है कि हमारी टीमें जिस तरह से प्रयासरत हैं जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम आएगा। सर इनाम की भी घोषणा की आज। इस संबंध में लोगों को मोटिवेट करने के लिए और पूरे प्रदेश और राज्य में जहां जहां संभावनाएं हैं इसके जाने की वहां के सारे एसपीज को इसका फोटो और पूरा डिटेल हम भेज रहे हैं। इस पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई।